हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर मीशो हॉल। सो आज के मीशो हॉल के लिए आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल सम हेयर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज दैट आई गॉट। सो ये जो हेयर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज है ये काफी ज्यादा यूनिक है, काफी डिफरेंट है एंड ये सब मुझे मीशो पे दिखे तो इसीलिए मैंने परचेज कर लिया। ऑल्सो मुझे हेयर एक्सेसरीज का काफी ज्यादा शौक है, इससे पहले मैंने एक दो वीडियोज इस तरीके के मीशो पे बनाए हैं, आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा। इफ इनकेस आपको इस तरीके के वीडियोज अच्छे लगते हैं, इस तरीके का कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तो ये वाला जो वीडियो है देखने के बाद आप वो दो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो अब तक अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया आप ये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 30% ऑफ मैक्स 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो आइटम्स है ये ऑलमोस्ट मैंने एक ही सेलर से लिया था, तो जो भी सारे आइटम्स थे आई कुड एड ईच एंड एवरीथिंग इन टू माई कार्ट एंड डायरेक्टली मैं परचेज कर पाई थी। सो अगर आप डिफरेंट सेलर्स से ले रहे हो तो आपको एक एक करके ही परचेज करना पड़ेगा, एड टू कार्ट करके खरीदना पड़ेगा। बट अगर आप सेम सेलर से काफी सारी चीजें ले रहे हो तो आप एक साथ ही एड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हो। सो इस हॉल में मैंने काफी सारी ऐसी चीजें, मतलब कलर ऑप्शंस भी काफी सारे लिए, बिकॉज ये ज्वेलरीज मुझे या तो डेली बेसिस के लिए काफी ज्यादा अच्छी लगी या तो बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी। सो इसलिए मैंने इसमें कलर ऑप्शंस भी लिए हैं बिकॉज दे वर सो ब्यूटिफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल दीज इयररिंग्स दैट आई गॉट। ये इसमें आप देख सकते हैं रेजिन ज्वेलरी जो है ये काफी ज्यादा चल रहा है आजकल, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद एंड बहुत ज्यादा रिच लुक देता है। सो ये जो ज्वेलरीज है मैक्सिमम इसमें से सारे के सारे कोरियन ज्वेलरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इन ट्रेंड चल रहा है। सो द फर्स्ट वन इज दिस, आप देख सकते हैं इस पे डेजी है, मतलब दो डेजीज आपको मिल जाएंगे एंड इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इट इज कमेंडेबल। जो भी प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है आई एम यू नो रियली हैप्पी टू गेट दिस ज्वेलरी इन दैट प्राइस। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी की ज्वेलरी है एंड ये इस तरीके का कुछ दिखता है। इसमें आपको फोर कलर्स मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल सा व्हाइट कलर, उसके साथ साथ आपको येलो कलर भी मिलेगा, तो मैंने येलो भी पिक किया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कलर है। कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पे मतलब क्लिप्स ऐड कर दूंगी पहन के मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे ज्वेलरीज लिए तो सारे के सारे पहन के दिखाना मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ पहने जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। उसके बाद मैंने एक पिंक कलर भी लिया है, काफी ज्यादा वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ चल जाएगा, सो ये पिंक कलर लिया है एंड इसमें एक और कलर अवेलेबल है, ये लाइलैक कलर भी अवेलेबल है। सो इसका लाइलैक कलर जो है मैंने दो ऑर्डर किए थे, एक मेरे लिए एंड एक मेरे सिस्टर के लिए। इसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं अपने सिस्टर को दे दूंगी बट दो मैंने लाइलैक कलर ऑर्डर किए थे, एक मेरे लिए एक मेरे सिस्टर के लिए। तो दूसरा वाला जो लाइलैक आया वो थोड़ा सा लाइट कलर का था, सो आई थिंक मे बी दीज आर रियल फ्लावर्स जो कि ड्राई किया हुआ है, इसीलिए कलर थोड़ा सा मतलब यू नो डिफरेंट था उसका। सो ये मैंने लिया है, ये फर्स्ट ज्वेलरी है मैंने जो लिया है। उसके बाद आई गॉट दिस, सो दिस इज ऑल्सो अ कोरियन ज्वेलरी, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इस तरीके की जो चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड मीशो पे आई एम रियली हैप्पी कि इस तरीके की ज्वेलरीज मिल रही है। सो बाय द वे ये जितनी भी सारी ज्वेलरीज है दीज आर बाय द सेम ब्रांड तामी एंड मुझे एक के बाद मतलब अच्छे लगते गए एंड मैंने ब्रांड नेम से ही सर्च कर लिया, तो इसीलिए मैंने मतलब सारे के सारे परचेज कर लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का इयररिंग है, बहुत डेंटी सा है एंड काफी ज्यादा सुंदर लगेगा विद एनी सॉलिड टॉप या कुर्ती के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये नेक्स्ट मैंने लिया एंड इसकी जो क्वालिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब ऊपर का जो आप देख सकते हैं सारा का सारा मेटल का है एंड नीचे आपको स्टड मिलेगा। सो ये मैंने नेक्स्ट लिया है। उसके बाद आई गॉट दीज, सो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इवन इफ मुझे डबल प्राइस में भी ये मिलते तब भी मैं मतलब एक बार भी नहीं सोचती थी, सो 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 ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के आपको मतलब ये क्रिस्टल टाइप के लगते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब शाइन है इसमें एंड ये आप कोई भी मतलब वेस्टर्न वेयर के साथ, कुर्तीज के साथ, साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल इयररिंग है, दे लुक सो ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है एंड ये पीछे से भी मतलब एलॉय टाइप के है, तो इस तरीके का आपको मिल जाएगा एंड इसमें आपको थ्री कलर्स मिल जाएंगे, वो व्हाइट कलर का है, उसके बाद आपको ये रोज गोल्ड में मिलता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड आप इसे मतलब लिटरली इतने सारे आउटफिट्स के साथ पहन सकते हैं, तो लिटरली पैसा वसूल ही होगा। सो ये मैंने लिया, दे लुक सो सो
सो प्रिटी, आई एम सो ग्लैड आई गॉट दीज। एंड देन देयर इज वन गोल्डन कलर, तो ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है लिटरली, मतलब लाइट में ये इतना ज्यादा शाइन कर रहा है। सो ये मैंने लिया एंड अगेन जो प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है, आई एम रियली हैप्पी दैट मुझे ये मतलब दिखा एंड आई गॉट इट, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की। सो उसके बाद आई गॉट दीज डिफरेंट लुकिंग इयर रिंग्स, ये भी काफी ज्यादा सुंदर लगा, बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट पीस है। सो इफ यू आर वेयरिंग समथिंग दैट इज रियली प्लेन, लाइक जैसे ये प्लेन टॉप पहन लिया ना, ये तो ब्लैक है, इस पर कुछ भी चल जाएगा, बट कोई भी सॉलिड टॉप अगर आप पहन रहे हो, उसे थोड़ा सा जैजअप करना है, तो आप कोई भी स्टेटमेंट इयर रिंग या स्टेटमेंट ज्वेलरी या स्टेटमेंट क्लच ले सकते हैं। सो उसके हिसाब से मैंने ये लिया है, ये भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पीस था। सो ग्लैड दैट मीशो पे बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पीसेस यू नो देखने को मिलते हैं। सो ये मैंने लिया है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा एम्बेलिशमेंट वर्क दे रखा है, नलकी वर्क दे रखा है एंड ऊपर से ये जो गोल्डन पार्ट आप देख सकते हैं ये भी मेटल का है। सो इस तरीके का मेटल का आपको मिलेगा, पीछे से भी ये इस तरीके के मेटल का है। सो इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे। सो ये ज्वेलरीज जो है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक थी, तो मुझे जो जो कलर्स मिले वो भी मैंने पिक किया। सो उसके बाद ये ग्रीन कलर में है एंड ये ग्रीन कलर में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था एंड नॉर्मल अगर आप साड़ी के साथ भी अगर ये इस तरीके की इयर रिंग्स पहनोगे तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब रिच लुक देगा। एंड इसके साथ साथ मैंने ये नेवी ब्लू कलर भी लिया है। सो दिस इज हाउ द नेवी ब्लू कलर लुक्स लाइक। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप यू नो बर्थडे पार्टीज के लिए ले रहे हैं, अगर आपका खुद का बर्थडे है, कोई पार्टी फंक्शन है, उसके लिए भी आप डेफिनेटली ये ले सकते हैं। सो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग यू नो परचेज कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट है। सो उसके बाद आई गॉट दिस। सो ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा, पहनने पे बहुत रिच लुक दे रहा था, इसमें से कोई भी इयर रिंग जो है हैवी नहीं है। सो आई गॉट दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का ये वाला जो है ना, ये प्लास्टिक का है एंड नीचे से जो भी आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे लाइक राइनस्टोन्स लगे हुए हैं। सो इट लुक्स वेरी वेरी रिच, मतलब ये चमकी नहीं है, ये जो भी ब्लैक आप देख सकते हैं ये चमकी नहीं है, ये राइनस्टोन वर्क है। तो इसमें एक एक करके चिपकाया गया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी मतलब पार्टी फंक्शन के लिए डेफिनेटली पहन सकते हैं, साड़ीज लहंगा किसी के भी ऊपर आप पहन सकते हैं, तो ये ना बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगा। सो ये भी मैंने नेक्स्ट लिया है। उसके बाद आई गॉट दिस। सो ये भी जो आइटम है ये पूरा का पूरा एलॉय का है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें कोई भी कलर अवेलेबल नहीं था, अगर इसमें भी मतलब कोई कलर अवेलेबल होता तो मैं जरूर लेती, मुझे इस तरीके के मतलब यूनिक एंड ट्रेंडी ज्वेलरीज काफी अच्छे लगते हैं। तो ये भी मतलब कोरियन ज्वेलरी ही है एंड ऊपर से आप देख सकते हैं आपको एक बहुत सुंदर सा मोती मिलेगा एंड देन यू हैव दिस लाइक मीनाकारी टाइप का वर्क होता है, उसी तरीके का आपको वर्क मिल जाएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, ये भी बहुत ही ज्यादा हल्का है, यू कैन लिटरली वेयर इट ऑल डे। किसी को अगर डैंगलिंग इयर रिंग्स पहनने की आदत नहीं होगी तो उनको भी ये चल जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ पहना है। उसके बाद हैवी इयर रिंग्स में मैंने ये लिए हैं। नाउ दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत यूनिक थे तो इसीलिए मैंने इसमें 4 कलर्स अवेलेबल थे, मतलब इससे ज्यादा कलर्स अवेलेबल होते तो भी शायद मैं ले लेती। सो ये आप देख सकते हैं दे आर सो ब्यूटिफुल, एकदम ही स्टेटमेंट इयर रिंग्स है एंड ये भी आप कोई भी साड़ी लहंगा के साथ पहन सकते हैं, वेस्टर्न वेयर के साथ भी आप स्टेटमेंट इयर रिंग्स जैसे पहन सकते हैं एंड दीज आर सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे ऊपर जो भी आप देख सकते हैं ये एलॉय का है, यहाँ पे आपको स्टड मिल जाएगा, प्लस इसमें थोड़ा सा यू नो थ्रेड का वर्क भी है एंड देन यू हैव दीज जिससे मतलब फ्लावर जो आर्टिफिशियल फ्लावर है वो बनता है एंड देन यू हैव सम लाइक शिफॉन का मटेरियल, नेट का मटेरियल। सो ये है एंड ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, काफी डिफरेंट सा पीस है, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, ये भी कोरियन ज्वेलरीज में ही आता है। सो इसमें 4 कलर्स अवेलेबल थे, तो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स चूज कर सकते हैं। तो एक इस तरीके का नेवी ब्लू कलर है, ये भी बहुत ही ज्यादा रिच लग रहा था, रॉयल लग रहा था एंड मीशो पे इस तरीके की जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो इसीलिए मैंने सारी की सारी परचेज कर ली है। उसके बाद आई हैव दिस ब्यूटीफुल बेज कलर। नाउ ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगा बिकॉज ये बेज कलर का है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इसका भी जो आप देख सकते हैं स्टड जो है बहुत ही ज्यादा चमक रहा है एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट पीस। सो उसके साथ साथ मैंने ये भी लिया बिकॉज मेरे बहुत सारे एथनिक वेयर जो है वो ब्लू एंड मरून उनमें ज्यादा है, तो इसीलिए उस हिसाब से मैंने ये लिया एंड इफ एट ऑल मुझे कोई मेकअप लुक एंड ऑल भी करना हो तो उस पर भी ये काफी चल जाएगा, बिकॉज एक इयर रिंग पहन लो एंड बाकी मेकअप पे ध्यान दो तो इट्स लाइक
अगेन स्टेटमेंट पीस. सो ये मैंने लिया है एंड इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल, सो काफी अच्छा लगा मुझे. सो नेक्स्ट आई गॉट अ फ्यू स्टड्स. सो ये जो स्टड्स मैंने लिए है ये काइंड ऑफ डेली वेयर के हिसाब से लिए, ये हर किसी को ही चल जाएगा. तो इस तरीके के जो स्टड्स है ये मिल रहे थे मीशो पे एंड बाय द सेम सेलर. सो इसकी भी जो क्वालिटी, मतलब दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था. एंड ये जो चीजें है ना ये सबसे ज्यादा यूज होती है, मतलब इफ एट ऑल आप नॉर्मल भी आउटफिट पहन रहे हैं कहीं, मतलब वैसे ही जाना है, इवन टू रन एरेंड्स इफ यू वॉन्ट टू वेयर समथिंग वेरी लाइट जो हर किसी के साथ चल जाए, तो इस तरीके के स्टड्स जो है ना ये बहुत ही ज्यादा, मतलब लिटरली अगेन पैसा वसूल टाइप की ही चीज है, बिकॉज हर किसी के साथ चल जाता है, ऑफिस कॉलेज में भी आराम से पहन सकते हैं. सो इस तरीके के स्टड्स मिल रहे थे एंड ये भी, मतलब जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा चमक रहा है एंड बिल्कुल भी, मतलब सस्ता टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. सो इसमें मैंने कलर्स ले लिया बिकॉज इट्स वेरी इजी टू वेयर, इसीलिए मैंने कलर्स लिए. तो इसमें मैंने ये पिंक भी लिया है, काफी सुंदर लग रहा था. उसके बाद मैंने ये वाला कलर लिया जो कि आप देख सकते हैं व्हाइट कलर है, ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. एंड देन आई गॉट थ्री मोर कलर्स. सो एक रेड है, रेड भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड उसके बाद एक ब्लू कलर अवेलेबल था, ये भी लिया मैंने. ब्लू भी बहुत ज्यादा रॉयल एंड रिच लग रहा है एंड ब्लैक तो लेना ही था बिकॉज ब्लैक हर किसी पे चल जाता है. मोस्टली मैं यू नो इयररिंग्स अपने हॉल वीडियोज में इतना ज्यादा पहनती नहीं हूँ बिकॉज इतना सोचना पड़ता है कि यू नो कौन सा इयररिंग पहने ऑन ऑल. कभी कभी ऐसे भी होता है, देयर आर डेज व्हेन आई रियली डोंट फील लाइक ड्रेसिंग अप. सो इसीलिए उन डेज के लिए आई जस्ट कीप दिस इन द बॉक्स एंड देन आप देख सकते हैं अभी भी मैंने इयररिंग्स नहीं पहन रखे. सो उन डेज के लिए दीज आर रियली नाइस, लाइक जब आपको ज्यादा ड्रेसअप भी नहीं करना है एंड इफ यू वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल सो यू कैन बाय समथिंग लाइक दिस. उसके बाद मैंने कुछ हेयर एक्सेसरीज लिए हैं. सो हेयर एक्सेसरीज में मैंने हेयर बैंड्स लिए बिकॉज मुझे हेयर बैंड्स पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. अगर कोई भी, मतलब अगेन कोई नॉर्मल सा आउटफिट पहन रहे हो, कैजुअल सा लुक देना है एंड अगर बाल थोड़े बहुत ऑयली हो, जैसे मेरे आज है, कल ही धोए थे बट ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है. मुझे तो लिटरली एवरी डे वीडियोज बनाने होते हैं तो एनी विच वेज एवरी सिंगल डे बाल धोना पॉसिबल नहीं होता है. तो उसके लिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो अच्छा सा क्लचर होना, अच्छा सा क्लिप होना या फिर अच्छे हेयर बैंड्स होना काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड प्लस प्रेजेंटेबल भी लगता है, बहुत क्यूट सा भी लगता है. सो इसीलिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है इस बारी. सो आई गॉट अ फ्यू क्लिप्स. फर्स्ट मैं आपको क्लिप्स दिखा देती हूँ. सारी की सारी कोरियन क्लिप्स है एंड ये भी, मतलब कलर्स में मिल रहा था तो मैंने ले लिया बिकॉज इस तरीके का, मतलब हार्डली वैसे तो नहीं मिलता है, तो जब मिल रहा है तो मैं क्यों ना कलर्स ले लूं. सो फर्स्ट इज दिस वन. सो इस तरीके के तीन मिल रहे थे, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी. सो ये फर्स्ट है, ये भी कोरियन क्लिप्स है एंड ये भी जल्दी बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं. सो इसमें आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छे क्वालिटी का है एंड प्लस इसका, मतलब जो शाइन एंड ऑल है इस तरीके के क्लिप्स का बिल्कुल भी नहीं जाता एंड ये बिल्कुल भी सिर में नहीं लगता है. सो ये मैंने लिया है एंड इनकी, मतलब इनका जो प्राइस है, इनके क्वालिटी के हिसाब से ये जस्टिफाइबल है. बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि दुकान में काफी सस्ता मिलता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर आप घर बैठ के यू नो ऑर्डर कर रहे हैं तो आप यू नो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. आप बाहर नहीं जा रहे हो, पेट्रोल नहीं वेस्ट कर रहे हो, कम्यूट नहीं कर रहे हो एंड ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो काफी सारी चीजें जुड़ जाती है बिकॉज देर आर सो मेनी सैलरीज टू गिव एंड यू नो काफी, मतलब यू नो सेलर का भी थोड़ा बहुत कमीशन होता है. सो ऑब्वियसली बात है अगर आप दुकान में कोई भी परचेज कर रहे हो तो उसे हल्का सा महंगा हो सकता है ऑनलाइन, तो ये आपके ऊपर, अगर आपको परचेज करना है तो कीजिए. अगर आपको ऐसी चीज दुकान में मिल जाएगी तो यू गुड सेव योर मनी एंड बाय इट ओवर देयर. बट मीशो पे काफी, मतलब यू नो सस्ते में होलसेल रेट्स में मिलता है एंड ये भी अगर आप मॉल्स एंड ऑल में लेने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा प्राइसी मिलेगा. सो ये मैंने लिया एंड उसके बाद आई गॉट मोर क्लचर्स बिकॉज आई रियली लाइक हेयर एक्सेसरीज इन जनरल. मुझे ड्रेसअप होना अच्छा लगता है तो इसीलिए मैंने ये लिए हैं. सो ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहे थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का क्लचर है एंड इसमें काफी ज्यादा वर्क है. सो आप देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट है. सो ये भी बहुत ज्यादा, मतलब एक ही साइड पे नहीं है, दोनों साइड पे है. सो ये जो क्लिप का प्राइस है ये काफी ज्यादा, मतलब जस्टिफाइबल मुझे लगा, इसीलिए मैंने इतने सारे कलर्स भी लिए हैं. एंड ये बहुत सारे, मतलब अगेन आप नॉर्मल अगर यू नो वेस्टर्न वेयर के साथ पहनना चाहते हो तो भी आप पहन सकते हैं एंड पार्टी वेयर के लिए तो डेफिनेटली पहन ही सकते हैं. सो कोई भी आउटफिट को यू नो अच्छी तरीके से जैज़ अप करेगा. सो इसमें कलर्स अवेलेबल थे तो इसलिए मैंने कलर्स भी लिए. एक ब्लू कलर भी था
एंड एक इस तरीके का मतलब काइंड ऑफ व्हाट कलर दिस रेड ग्रे इस तरीके का मिक्स कलर भी था, तो ये भी मैंने लिया है. सो उसके बाद तो ये भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं. उसके बाद देयर इज दिस ज्वेलरी दैट आई फॉरगॉट टू शो. सो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक ज्वेलरी है क्योंकि मतलब इसमें जो कलर्स दे रखे हैं ये काफी ज्यादा सुंदर है. सो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में इस तरीके के म्यूटेड कलर्स बिल्कुल भी नहीं होते, बट इसमें म्यूटेड कलर्स है. ये एक्चुअली प्लास्टिक टाइप का है एंड ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, सुपर बोहो, एंड इस टॉप के साथ भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड दूसरे यू नो आउटफिट्स के साथ भी आप पेयर कर सकते हैं. सो इस तरीके का है एंड ये भी बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप का है, काफी ज्यादा सुंदर है. एंड इसके साथ साथ आपको इस तरीके के इयररिंग्स मिलेंगे. सो इस तरीके के आपको इयररिंग्स मिलेंगे. सो ये भी काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड ये जो हेयर एक्सेसरीज एंड यू नो जो भी मैं आपको आइटम सिखा रही हूँ, ये अगर किसी को मतलब अगर आपका बजट कम है तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं बर्थडेज पे एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये मैंने लिया. उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ हेयर बैंड्स, लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ हेयर बैंड्स. एंड अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसका पार्ट टू भी आएगा, बिकॉज मुझे काफी सारी चीजें जो है काफी मतलब इसी टाइप की, नॉट सेम चीजें, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर चीजें लाइक इयर रिंग्स एंड यू नो हेयर एक्सेसरीज, इस तरीके की और भी चीजें अच्छी लगी तो मैंने और भी ऑर्डर किए हैं. सो डेफिनेटली पार्ट टू भी आएगा. सारे के सारे मैं एक वीडियो में क्लब नहीं कर सकती. वीडियो आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो शायद आधे एक घंटे का वीडियो होता है, तो इसीलिए आई विल बी गेटिंग अ पार्ट टू. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, छोटा सा जो बेल आइकन है उसके साइड में वो भी क्लिक कर सकते हैं, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको तुरंत दिखेगा एंड आप तुरंत ही जाके परचेज कर सकते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, तो यू नो तुरंत देखोगे तो आप सबसे पहले परचेज कर सकते हो. उसके बाद आई गॉट बहुत सारे हेयर बैंड्स लिए मैंने इस बारी. सो आजकल ना काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है थिन हेयर बैंड्स का, एंड मतलब थिन एंड थिक हेयर बैंड्स दोनों ही इन फैशन है, तो इसीलिए मैंने काफी सारी ली है एंड मुझे काफी चल जाते हैं. मतलब इवन बाहर भी अगर मैं जाती हूँ, मोस्टली अगर हेयर ऑयली होता है तो आई प्रेफर कि हेयर बैंड या फिर मैं यू नो इस तरीके का क्लचर लगा लूँ ताकि यू नो इतना ज्यादा ऑयली बिल्कुल ना लगे एंड आई लुक प्रेजेंटेबल. सो आई गॉट थ्री कलर्स इसमें, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा थिन सा हेयर बैंड है, बट इट्स अ वेरी यूनिक पीस. इस तरीके का मुझे कोई भी वेबसाइट पे नहीं दिखा था. आई रियली लव हेयर एक्सेसरीज एंड मैं बहुत ज्यादा देखती रहती हूँ हॉल्स के लिए भी, खुद के लिए भी, तो इस तरीके का मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला एंड फॉर द प्राइस आई रियली लाइक इट. सो इट कुड हैव बीन, द प्राइस कुड हैव बीन अ लिटिल लो, बट देन एनी वे अगर मुझे दूसरी जगह नहीं मिल रहा है, ये यूनिक पीस है तो आई डिड नॉट माइंड. जिनको प्रॉब्लम है वो ना खरीदे, जिनको अच्छा लग रहा है वो खरीद सकते हैं. सो ये येलो कलर का है. इसके साथ साथ नियॉन काफी ज्यादा इन फैशन है, मेरे पास काफी ज्यादा नियॉन चीजें हैं, सो इसलिए मैंने एक नियॉन येलो नॉट नियॉन येलो नियॉन ऑरेंज भी लिया है एंड आई गॉट दिस नियॉन व्हाट इज दिस ग्रीन या येलो ग्रीन कलर है. सो नियॉन ग्रीन कलर है. सो ये भी बहुत मिनिमल एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड ये भी गिफ्ट दे मेक ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शंस. तो ये मैंने सारे अलग अलग परचेज किए हैं. इसके बाद आई गॉट दीज. सो ये भी मैंने शायद अलग अलग ही परचेज किया था. तो इसमें से कोई हेयर बैंड से जिसमें लिखा था कि रैंडमली एक ही पीस आपको मिलेगा, मतलब काफी सारे कलर्स थे शायद सेलर के पास एंड उसमें से आपको एक ही पीस मिलेगा, लाइक यू कुडंट चूज द कलर. आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा था, whether it was this or I really don't remember, but ऐसे एक दो pieces थे. so मैंने दो order किए हैं, एक मेरे लिए एक मेरी sister के लिए. so thank god seller ने दो अलग अलग colors भेजे, but anyway सेम भी भेजता तो कुछ होता नहीं ज्यादा, तो गुड, वेरी थॉटफुल कि उन्होंने दो अलग अलग कलर्स भेजे. सो एक पिंक कलर है एंड एक इस तरीके का व्हाट इज दिस ब्राउन कलर है. सो ये जो चेक्ड पैटर्न है ये बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक एवरग्रीन पैटर्न है एंड ऑलमोस्ट सभी के साथ ये चल जाएगा. सो ये थिन में मैंने ये लिया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. उसके बाद ये दो हेयर बैंड्स थे, ये मुझे देखते ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई चेक फ्रॉम द सेलर, ये वाला हेयर बैंड. एंड उसके बाद मैंने जाके नेम टाइप किया, मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली. सो ये भी ये उनमें से एक था जहां पे आपको रैंडमली एक कलर मिलेगा. सो आई गॉट टू एंड अगेन द सेलर वॉज थॉटफुल टू सेंड मी टू डिफरेंट कलर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सा पैटर्न है एंड ये जो हेयर बैंड की क्वालिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी है, पहनने पे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. इट लुक्स सो प्रिटी एंड इसमें आप देख सकते हैं मतलब मल्टी कलर्ड है ये. सो ये आपको एक मिलेगा.
सो आई डोंट फील लाइक रिमूविंग दिस. सो ये एक है एंड देन दिस. उसके बाद आई गॉट दिस, ये थिन है बैंड में मैंने ये एक लिया है. अगेन आप डेली वेयर के हिसाब से अगर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके के ब्रेड्स मिल जाएंगे इसमें. ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है. ये अंदर से इस तरीके का मतलब टिन का आपको मिलेगा एंड ये बिल्कुल मतलब पहनने के बाद बिल्कुल कान के पास पेन नहीं होता है एंड सिर में दर्द बिल्कुल नहीं होता. देयर आर दोस टाइट हेयर बैंड जो कि सिर में पहनते से ही दर्द हो जाता है या फिर चुभते हैं, ये इनमें से बिल्कुल भी नहीं है. इसमें आपको टिन का मिलेगा बट दे आर वेरी कंफर्टेबल. सो ये मैंने नेक्स्ट लिया है. उसके बाद आई गॉट दिस, ये बहुत ज्यादा क्यूट लगा. ये बो वाले हेयर बैंड जो है मुझे काफी अच्छे लगते हैं. सो इस तरीके का आपको बो वाला हेयर बैंड मिलेगा एंड पिक्चर में शायद लाइट डार्क इस तरीके का कलर्स थे बट दिस वॉज ऑल्सो लाइक वन पीस रैंडम आपको मिलेगा एंड सारे के सारे ब्लू कलर में ही मिलेंगे आपको. सो डेनिम का मटीरियल है. अगेन आप कोई भी यू नो टॉप के साथ आप कॉलेज के लिए पहन सकते हैं, कैजुअली अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप पहन सकते हैं एंड यू शुड रियली ट्राई दिस. अगर यू नो अगर आपके बाल थोड़े से भी ऑयली हो जाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप एवरी सिंगल डे बाल धो एंड बारिश के सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं, ठंडी के सीजन में बिल्कुल भी नहीं, ठंड लग जाएगी. तो यू कैन लिटरली ट्राई यू नो बाइंग हेयर बैंड्स एंड हेयर एक्सेसरीज, उससे आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा एंड बाल भी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखेंगे. आई डू दैट ट्रिक, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग. सो ये इस तरीके का है एंड इसमें आप देख सकते हैं लाइक लुई वुइटन का साइन बना हुआ है. Anyway, it looks very pretty. So, इसीलिए मैंने ये लिया. उसके बाद आई गॉट अ फ्यू थिक हेयर बैंड्स एंड ये भी मतलब वीडियोज में भी बहुत क्यूट लगते हैं एंड वैसे भी अगर बाहर भी पहन के जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं. सो द फर्स्ट वन इज दिस. तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब क्रिपल नहीं क्रम्पल टाइप का है ये एंड इसमें काफी सारे कलर्स मिल रहे थे. तो ये फर्स्ट व्हाइट कलर का है एंड इसमें मैंने मतलब जितने सारे कलर्स मिल रहे थे सारे मैंने ले लिए, सारे के सारे मेरे लिए नहीं है. सो एक येलो भी लिया है एंड देन आई गॉट दिस पिंक कलर जो कि पहनने पे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. सो उसके बाद ये ब्लू कलर है एंड देन आई हैव दिस नेवी ब्लू कलर. सो ये मैंने लिया एंड लास्ट मैंने जो लिया है दिस इज अ वेरी वेरी प्रिटी पीस. इट सेज दैट इट इज मेड इन चाइना. सो मे बी लाइक यू नो बहुत सारी चीजें अभी भी चाइना में बनती है. सो इट इज दिस गॉर्जियस क्लिप. ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा क्लिप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इसमें मतलब आप देख सकते हो जो भी वर्क रखा है सारे के सारे एम्बेलिशमेंट्स इसमें बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं. बहुत ज्यादा सुंदर है, मेटल का है एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी लगता है. प्लस प्राइस के लिए जब मतलब जो प्राइस आप पे करते हो उसके लिए वर्थ इट चीज है. ये भी इस तरीके की चीज है कि आप अगर खुद के लिए परचेज करना चाहते हो बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस एंड किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हो तो भी मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी मत सोचना, ये इतना ज्यादा सुंदर सा पीस है. आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस एंड दैट कम्प्लीट्स माई हॉल. बहुत सारी चीजें मैंने इस हॉल में ली है. डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये हॉल कैसे लगा. तो डेफिनेटली पार्ट टू भी आएगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब बारी बताने की ये मीशो को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज रिया दास ऑफिशियल. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब बारी बताने की मीशो को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्ट जर्नी वीडियो प्ले करूंगी. प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना. सो आपको मीशो पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, होम डेकोर चीज़ें भी मिल जाएगी एंड ऑल्सो आपको मेन विमेन बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिल जाएंगे. तो जो भी आपको चाहिए आपको इस तरीके से ओपन करना है. आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ. सो आपको बस ऐड टू कार्ट करना है एंड पेमेंट करना है. तो ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम, ऑल्सो आप अमेजोन पे से भी पे कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी पे कर सकते हैं. एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है या रिटर्न एंड एक्सचेंज कराना है, 7 डेज का पॉलिसी होता है. सो अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो मेक श्योर आप बैंक डिटेल्स डाल दें, उसी में आपके बैंक डिटेल्स में डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे. सो नॉर्मली आपको अमाउंट भर के कोई भी मोड ऑफ पेमेंट से पे कर देना एंड इट्स वेरी सिंपल टू यू. सो आपने वीडियो देख लिया, मीशो को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा सिंपल है एंड आप एक बारी तो जरूर मीशो को डाउनलोड करके देखना. यहाँ पे आपको यू नो फैशन से लेके होम एक्सेसरीज मतलब होम डेकोर एंड बच्चों की चीजें, मेंस के कुछ भी मतलब आइटम्स अगर आपको देखना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा एंड काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स. तो आप जरूर एक बारी डाउनलोड करके देखना एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोना लव द ऐप. डाउनलोड करने के लिए आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 30% ऑफ मैक्स 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा. हमेशा मेरे लिंक से डाउनलोड करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.